पंजाब सरकार की तरफ से प्रवासी भारतीयों को सभी समस्या को पहल के अधिकार पर हल हो इसी की तत NRI सेल बनाया गया, पर फिर भी प्रवासी भारतीयों को इंसाफ नहीं मिल रहा। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की प्रॉपर्टी पर गलत पेपर तैयार कर कब्जा करना कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिला नवाशहर के गांव लगरोआ कनाडा निवासी जुजार सिंह अपने ही पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए कहता है कि उसके पड़ोसी ने उसके प्लाट और उनके घर को जाती गली पर नजायज ही कब्जा किया है। वह पिछले 3 सालों से पुलिस थाने और सभी उच्च अधिकारियों के पास चक्कर लगाता थक चुका है, लेकिन कोई भी उसे समस्या का हल नहीं निकला। सभी अधिकारियों को उसने अपनी समस्या बताई, पर फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। जुजार सिंह ने अब मीडिया के जरिए इंसाफ के लिए मदद की गुहार की। जिहड़ा नाल रास्ता लगता है ओदी न्याय ढंग नाल रजिस्ट्री हो गई है, ते ओ रास्ता बेचता, ते उस तो बाद असी 2 स्टे ले आ कोर्ट दे विच जाके, 2 स्टेटस को साडे कंटिन्यू आ, उस दे बावजूद भी स्टेटस को होने के बाद भी उत्थे कब्जा हो रहा है। 10 फुट गली नूं कवर कर चुके आ, सारा कुछ साडे कोल पेपर हैगे आ, फिर भी वह लैंटर पा जाती आ। पुलिस ने ही कहनी असीं दरखास्त दिंदे आ, जदों लैंटर पाउण लगदे कोई भी कार्रवाई करदे असीं दरखास्त दिंदे आ, पर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते है। वो यही कह देंगे भी थोड़ा कोर्ट च केस चलता है, पर जिहड़ा हुण बंदा मौके ते क्राइम कोई भी कर रहा है उन्होंने रोकना तो पुलिस का काम आ। कोर्ट ने तो आके मानजो कोर्ट ने तो अपना स्टे ऑर्डर सानूं दिता होया आ। जुझार सिंह नामी व्यक्ति है, वो कोई गली का डिस्प्यूट है, उन्होंने रिलेटिड एक कंप्लेंट आई है, मौके पर जाके विजिट करेंगे, देखेंगे जो भी अकॉर्डिंग टू रूल बनता है अनुसार असं कार्रवाई करेंगे। नवाशहर से शैलेश कुमार की ये खास रिपोर्ट।